नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज के हेडलाइंस पर। जिले भर में 10 अगस्त को मनाइए राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने की तैयारी। एलएलबी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट नकल करते पकड़ा गया। स्टूडेंट कॉलेज प्रिंसिपल को दी धमकी। जिलेवर में निकाली तिरंगा रैली। घर घर लगाएंगे तिरंगा झंडा। दो युवकों ने डरा धमकाकर किया युवती का देह शोषण। युवती हुई गर्भवती। पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। और अब खबरें विस्तार से। राजगढ़ स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सकों के ड्यूटी समय के दौरान अस्पताल में नहीं बैठने से रोगियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस प्रकार के मजबूर रोगियों को परिजनों द्वारा घरों पर फीस देकर दिखाना पड़ रहा है। गौरतलब रहे कि बहुत से चिकित्सक अस्पताल में ड्यूटी के दौरान बैठते ही नहीं है या समय पर नहीं पहुँचते हैं। वहीं कुछ बैठते हैं तो बहुत थोड़ी देर बैठकर आवासों पर पहुँचकर रोगियों को फीस लेकर देखते रहते हैं, जिससे रोगियों और उनके परिजनों को महंगी दवाइयाँ खरीदनी पड़ रही हैं। खाने के लिए जनाना हॉस्पिटल में गया, वहाँ पर सत्य प्रकाश बैठा हुआ था। सत्य प्रकाश जी को मैंने दिखाया। सत्य प्रकाश जी ने आराम से बैठ के देखा और इतना जरूर बोला था कि भैया छुट्टी होने वाली है, बल्कि सर जी कोई बात नहीं, बच्चे को दिखाया था। सारे डॉक्टर मैंने उनसे कह के भी आया हूँ कि सारे डॉक्टर अब तक तो सब घर जाकर सो गए होंगे, आप ही एक डॉक्टर हो जो अब तक यहाँ पर बैठे हुए हो। ये सत्य प्रकाश जी की सरकारी पर्ची है, इन्होंने दवा लिखी। ऐसा होता है, अगर सरकार द्वारा छुट्टी है तो हॉस्पिटल 11 बजे 11:15 बजे बंद हो गया था तो मुझे दवा भी नहीं मिल पाई। इसको तो कहते हैं बंद होना। अब सुबह के 9 बजने और हॉस्पिटल तो खुला है लेकिन कर्मचारी नहीं है। कोई पूछे तो कर आएंगे, लेट आएंगे, कोठी पर हैं, क्या मतलब है इनका। ड्यूटी 8 घंटे की सरकार को क्यों नहीं देते। कृपया इस ड्यूटी को बराबर कराया जाए ताकि पब्लिक को राहत मिले। अंदर से ज़्यादा बाहर के वाले मेडिकल वाले कमा के खा रहे हैं। क्यों कि एक दवा भीतर की, 3 दवा बाहर की, परसेंटेज हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो मैं उत्तम चंद अपने मतलब इस बात से असहमत हूँ। कृपया इन डॉक्टरों को थोड़ा समझाया जाए, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए ताकि आगे के लिए ये अपना समय देश के लिए, पब्लिक के लिए व सरकार के लिए दे सके। धन्यवाद। बाबू शोभाराम राजकीय कला कॉलेज में एलएलबी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को नकल करते पकड़ा गया है। इसके बाद स्टूडेंट प्रिंसिपल रूम में गए और धमकी दी। कॉलेज के प्रिंसिपल अशोक आर्य ने बताया कि गुरुवार सुबह 11 से 2 बजे की पारी में एलएलबी की परीक्षा चल रही थी। उस समय अंबेडकर यूनिवर्सिटी जयपुर से जांच करने के लिए फ्लाइंग टीम आई थी। फ्लाइंग ने सेकेंड ईयर के छात्र ओमवीर रईसा के हाथ पर कुछ लिखा हुआ पाया गया था, जिसके आधार पर उसे नकल करते पकड़ा गया। प्रिंसिपल ने बताया कि उसके बाद छात्र मेरे चैंबर में आया और उनको धमकी दी। उसने कहा कि चैन से नौकरी नहीं करने दूंगा, आपके कहने पर मुझे पकड़ा गया है, जबकि हाथ पर केवल मेरा नाम लिखा था, कोई नकल की सामग्री नहीं थी। छात्र का कहना था कि वह हितों को लेकर मुद्दे उठाता रहता है, ये अखरा होगा। प्रिंसिपल का कहना है कि उन्हें पता भी नहीं था कि फ्लाइंग ने किसको पकड़ा है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला कलेक्टर के निर्देश पर तिजारा कस्बे में तिरंगा यात्रा निकाली गई। उपखंड अधिकारी संजीव कुमार ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि सभी विभाग के अधिकारी, कर्मचारी एवं जन प्रतिनिधियों ने रैली में भाग लिया। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे तथा सभी को तिरंगा व अपने देश का गौरव बढ़ाने वाले पलों को स्मरण कर उन्हें महसूस करने का अवसर मिले। इसलिए हर नागरिक अपने पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराए। रैली में तिजारा तहसीलदार अशोक कुमार, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लीलावती मीना, ACBEO राजेश यादव, श्याम सिंह विकास अधिकारी नवीन यादव, सलोना देवी, रीडर तस्लीम खान, कानून गो अशोक सैनी, अंकित यादव, विजय पटवारी, राजेश शर्मा, मनोज मिश्रा सहित बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग, अनेकों शिक्षक तथा स्काउट व गाइड की छात्र छात्राओं ने भाग लिया। तिजारा कस्बे में आज सुबह से 2 घंटे लगातार बारिश का दौर जारी रहा। तिजारा कस्बे के फिरोजपुर मार्ग मंडी के निकट एवं पटवारी मंदिर अस्पताल परिसर तथा बिजली घर के निकट में लबालब पानी भर गया। पूर्व व्यापार महासंघ अध्यक्ष हबली गुप्ता ने बताया कि अनाज मंडी के पास पानी की निकासी न होने के कारण
रोड पर पानी का जमावड़ा हो गया है। किसान अपना अनाज लेकर मंडी में पहुंच नहीं सकते। बाइक सवार एवं राहगीर का निकलना भी मुश्किल हो रहा है। इस संबंध में अधिकारियों को समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। उधर हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि पटवारी मंदिर पर रोड पर पानी का भराव हो गया, जिससे वाहन और राहगीरों का निकलना भी मुश्किल हो रहा है और हादसे का आदेश बना हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि रोड का कार्य धीमी गति से हो रहा है, जिससे रोड बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिंग स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध है, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, 810 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टेक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर आदिवासी ग्रुप की ओर से शुक्रवार को रूपवास स्थित रूप हरि मंदिर के पास विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। ग्रुप के सदस्य पार्षद रवि मीणा ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया गया। इस मौके पर रूप हरि मंदिर के आसपास पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें करीब 21 पौधे लगाए गए और लोगों के घरों पर जाकर लोगों को पौधे लगाने के लिए जागरूक किया गया। उन्होंने कहा, प्रकृति को सुंदर बनाए रखने के लिए और पर्यावरण को अच्छा रखने के लिए पौधारोपण कार्यक्रम बहुत ही आवश्यक है। इस मौके पर शाम को स्थित रूप हरि मंदिर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें जिले भर के आदिवासी समाज के लोग भाग लेंगे। रवि मीणा, पार्षद नगर निगम अलवर। आज विश्व आदिवासी दिवस के रूप में हम 9 अगस्त को हर साल की भांति इस बार भी हम पौधारोपण का हमने प्रोग्राम रखा है। शाम को हमारी जो कल्चर संस्कृति है उसका प्रोग्राम भी हमने जगन्नाथ मंदिर पर रखा हुआ है। हम आज करीब यहाँ पर 21 पौधारोपण कर रहे हैं और प्रत्येक जो टीम का व्यक्ति है उसको प्रत्येक को घर घर पर जाकर पौधारोपण के लिए भी हम उनको प्रेरित कर रहे हैं और प्रगति को जितना हरा भरा कर पाएंगे उतना प्रयास हमारा रहेगा। और जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहें वो हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे दिल खुले हैं, हमसे मिलकर चलें और प्रगति को हरा भरा करें। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत राजकीय उच्च संस्कृत विद्यालय मातोर में भामाशाह शिव गोविंद शर्मा व तारेश्वर शर्मा के सहयोग से 61 पौधे लगाए गए। अतिथि टिल्लू भाई ने सभी को ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करने की अपील की। कार्यक्रम में राजस्थान में प्री वी एड में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले अनुराग जोशी को सम्मानित किया गया। इस दौरान तारेश्वर शर्मा, अनुराग कौशिक, प्रधानाचार्य हरि नारायण जोशी, मनीषा जोशी, सत्यनारायण, राजाराम यादव आदि मौजूद रहे। आजादी महोत्सव स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाने के लिए मुंडावर में उपखंड स्तरीय हर घर तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा को मुंडावर उपखंड अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा यात्रा पंचायत समिति प्रांगण से प्रारंभ होकर कस्बे के मुख्य बाजार व बस स्टैंड से होती हुई वापस पंचायत समिति प्रांगण में पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान उपखंड अधिकारी मुंडावर उपखंड अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि आज आजादी महोत्सव के डे बाय डे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें तिरंगा मैराथन दौड़, तिरंगा मेला सहित अनेक प्रकार की एक्टिविटी आयोजित की जाएंगी। साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान तहसीलदार मदन सिंह, पंचायत समिति विकास अधिकारी सानू अग्रवाल, देशराज यादव सहित सभी कार्यालयों के कर्मचारियों ने भाग लिया। मुंडावर उपखंड स्थित इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में सचिव प्रेमलता शर्मा की अध्यक्षता में पौधारोपण किया गया और इनके संरक्षण का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर कैप्टन हजारीलाल गुजर ने कहा कि विश्व में इस समय जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहा है। भौतिकता की अंधी दौड़ में मानव के द्वारा पर्यावरण की अनदेखी की जा रही है। जब तक हम पर्यावरण के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे, तब तक पर्यावरण का संरक्षण संभव नहीं हो पाएगा। हमें पेड़ पौधों की सार संभाल पर विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहिए तथा पर्यावरण संरक्षण को हमें अपनी प्राथमिकता में रखना चाहिए। शिक्षाविद एवं कॉलेज महासचिव अभिनव शर्मा और राजनीतिक विचारक डॉक्टर डी आर शर्मा ने कहा
कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति में वृक्षों का बड़ा महत्व रहा है। भारतीय वेदों और ग्रंथों में भी वृक्षों की महिमा का वर्णन किया गया है। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाने चाहिए तथा इसके साथ ही हमें उनका संरक्षण भी करना चाहिए। पेड़ पौधे मानव सभ्यता और मानव जीवन के आधार स्तंभ हैं। इस अवसर पर पंडित हरि सिंह शर्मा, सहायक प्रोफेसर देवेंद्र यादव, प्रवीण यादव एवं सीमा जहांगीर सहित अनेक विद्वानों के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपना संकल्प व्यक्त किया गया। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के मुख्य बाजार में लग रही राखी की दुकानों को रोड से हटाकर पीछे करवाई गई, जिससे किसी को आने जाने में परेशानी ना हो। यातायात प्रभारी हरिओम मीना ने बताया कि 15 अगस्त को रक्षाबंधन में जन्माष्टमी के अवसर पर शहर में किसी भी तरीके की व्यवस्था ना बिगड़े व किसी भी तरीके का यातायात प्रभावित ना हो, ऐसे में शहर का निरीक्षण किया गया। दुकानदारों ने रोड पर राखी की दुकानें लगा रखी थी, दुकानों को रोड से पीछे हटवाई गई और समझाइश की गई। बांसुर विधानसभा क्षेत्र के गांव चांदाली में शुक्रवार को शहीद पुलिसकर्मी लालाराम की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर, विधायक देवी सिंह शेखावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेम सिंह, पुलिस उपाधीक्षक सत्तर प्रकाश मीना, भाजपा उपाध्यक्ष डॉक्टर शशिकांत बोहरा, सरपंच विक्रम यादव ने शहीद लालाराम की मूर्ति का फीता काटकर अनावरण किया। वहीं शहीद लालाराम की यादगार में पौधारोपण किया। अतिथियों ने शहीद की मां तथा शहीद की वीरांगना का शॉल उड़ाकर सम्मान किया व शहीद के पिता को साफा पहनाकर सम्मानित किया। गोविंदगढ़ कस्बे में भारतीय जनता पार्टी के हर घर तिरंगा व तिरंगा यात्रा अभियान को लेकर भाजपा मंडल गोविंदगढ़ की वृहद कार्य समिति की बैठक का आयोजन गंगा मंदिर स्थित खंडेलवाल धर्मशाला में हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष रवि सनातनी ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता और कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भाजपा नेता जय आहूजा थे। जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने बताया कि यह पार्टी का नियम है, पहले राष्ट्रीय बैठक होती है और फिर प्रदेश की, फिर जिले की और फिर मंडल की बैठक आयोजित होती है। युवा मोर्चा द्वारा 11, 12, 13 अगस्त को रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विशेषकर युवाओं की सहभागिता होगी। हर घर तिरंगा कार्यक्रम में सभी प्रतिष्ठान, सभी घरों पर तिरंगा फहराया जाएगा और 12, 13, 14 अगस्त को गोविंदगढ़ मंडल में स्वतंत्रता सेनानियों एवं युद्ध स्मारकों की साफ सफाई करते हुए महापुरुषों की प्रतिमाओं को स्वच्छ कर उन पर पुष्पांजलि व माल्यार्पण किया जाएगा। भाजपा नेता जय आहूजा ने बताया कि बैठक में भाजपा के गोविंदगढ़ मंडल के सभी कार्यकर्ताओं को स्वतंत्रता दिवस के सार्वजनिक कार्यक्रमों में भागीदारी लेने के लिए कहा गया है। आजादी के पर्व पर 13, 14 और 15 अगस्त को सभी घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराया जाएगा, जिसमें छोटे छोटे बच्चों के हाथों से घरों पर तिरंगा फहराया जाएगा और सभी कार्यकर्ताओं से आखिरी बूथ तक तिरंगे पहुंचाने की तैयारी करने के लिए कहा गया है, जिससे हर घर तिरंगा अभियान सफल हो सके। हर घर तिरंगा को जोर शोर से चलाना है और खासकर घर के युवाओं को कार्यक्रम से जोड़कर देश की आजादी के लिए क्रांतिकारियों के बलिदान एवं उनके समर्पण को उन्हें बताना है, ताकि उन्हें पता चल सके देश की आजादी में अनेक क्रांतिकारियों का बलिदान शामिल है। इसके साथ ही 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस पर कार्यक्रम एवं मौन मार्च निकाला जाएगा। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गान गाकर किया गया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि ये मंडल कार्य समिति की बैठक थी। तो हमारे यहाँ जिले राष्ट्र की पहले कार्य समिति होती है, फिर प्रदेश की होती है, फिर जिले की होती है, उसके बाद में हमें मंडल की कार्य समिति का आयोजन करना पड़ता है। तो आज कार्य समिति बैठक में आया था, पार्टी के जो भी कार्यक्रम है आगामी, उन कार्यक्रमों की जानकारी दी, संगठन के बारे में जानकारी ली और सभी कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। संदेश दिया है, विभिन्न जो आयोजन होंगे उनके बारे में बताएं।
अभी हम अगले दो दिन में एक तो 15 तारीख तक हम लगातार तिरंगे घर घर बंटवाएंगे और लोगों को ये प्रेरित करेंगे कि अपने घर पे तिरंगा लगाएं। एक हमारा अभियान पहले से चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम प्रकृति के संरक्षण के लिए, और एक हमारा स्वतंत्रता दिवस तक उसकी पूर्व संध्या तक अभियान चलेगा। हमारे क्षेत्र में जहाँ भी महापुरुषों की मूर्तियां हैं, चबूतरे हैं, वहां जाकर उन मूर्तियों की साफ सफाई करना, उनका श्रृंगार करना और स्वतंत्रता दिवस के इस अद्भुत अवसर पर महापुरुषों के प्रति अपना अपनी ओर से नमन करना, उनकी ओर श्रद्धांजलि प्रस्तुत करना और उनके जीवन चरित्र में अपना विश्वास जताना, ये भी पार्टी का अभियान। गोस्वामी तुलसीदास सेवा समिति की साधारण सभा आयोजित कर निर्णय लिया गया कि 12 अगस्त श्रावण शुक्ल सप्तमी को श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म दिवस समारोह के रूप में मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत 11 अगस्त रविवार को प्रातः 9:15 श्री रामचरितमानस अखंड पाठ एक दिवसीय 24 घंटे, 12 अगस्त सोमवार को अखंड पाठ समापन, हवन, कन्या पूजन, श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी का पूजन, आरती एवं प्रसाद वितरण किया जाएगा। तुलसीदास सेवा समिति आमजन से करबद्ध निवेदन करती कि तुलसीदास जी के जन्म दिवस के अवसर पर घर के मंदिर में या किसी भी देवालय में तुलसीदास जी के निमित्त देशी घी का एक दीप प्रज्वलित कर आस्था प्रकट करें। इस अवसर पर संस्था संरक्षक सीएससी किशन गुप्ता, समाज सेवी संस्थापक जितेंद्र खेड़पति, महंत श्री त्रिपोलेश्वर महादेव मंदिर अध्यक्ष जगदीश सोनी, रामायण कथावाचक सचिव गजेंद्र कटोरीवाला, महंत श्री सीताराम जी मंदिर सिटी पैलेस दिनेश शर्मा, वैभव कालूराम गुप्ता एवं अन्य मानस प्रेमी एवं तुलसीदास जी के भक्तजन उपस्थित रहे। यह आयोजन समिंद्र श्री सत्यनारायण जी महाराज तवर कॉलोनी लाल डिग्गी पर आयोजित होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी का यह 8वां जन्मोत्सव है। मुंडावर उपखंड अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद ने ग्राम पंचायत रुंद में रात्रि चौपाल आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी तथा मौके पर ही अधिकारियों को परिवेदनाओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। रात्रि चौपाल में मैक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल ततारपुर चौराहा के प्रबंधन के खिलाफ शिकायत मिली। 4 अभिभावकों ने RTE के तहत प्रवेशित बच्चों को स्कूल से निकालने की शिकायत की। अभिभावकों ने बताया कि एक तरफ फ्री पढ़ाया, अब फीस मांग रहे हैं। स्कूल मैनेजमेंट ने पेरेंट से पूरी फीस मांगी। आजाद सिंह, मनोज कुमार, जयपाल सिंह और महेंद्र कुमार ने की शिकायत। उपखंड अधिकारी ने जांच करवाकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं रात्रि चौपाल में उपस्थित समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने अपने अपने विभाग की योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस दौरान तहसीलदार मदन सिंह, BCMO जयवर्धन खेरिया, जलदाय विभाग के से विकास गुप्ता, पूनम रानी, विद्युत विभाग से पुनीत भारद्वाज, डॉक्टर कुमुदेश दीक्षित सहित समस्त विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। राजगढ़ कस्बे के मानसरोवर कॉलोनी के समीप सड़क किनारे लगे ट्रांसफार्मर से करंट प्रभावित होने पर 2 गोवंशों की मौत हो गई। सूचना पर समाज सेवी जुगनू तंबोली व विद्युत विभाग की टीम मौके पर पहुंची। भाजपा पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेंद्र जैन ने बताया कि 2 गोवंश की पूर्व में भी करंट से मृत्यु हो गई है। आज देर रात्रि भी करंट लगने से 2 गोवंशों की मौत हो गई, जबकि इसको लेकर विद्युत विभाग को अवगत करवाया हुआ है। उनकी ओर से आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने सरकार से शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि अगर संबंधित अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं तो आंदोलन किया जाएगा। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो गौ माता की हम सेवा करते हैं, उनके 2 गायें पहले यहाँ इंसिडेंट हो चुकी, करंट से मर चुकी है। 2 सांड है जो रात को मर चुके हैं यहाँ, लेकिन कोई हमने बिजली विभाग के भी डिपार्टमेंट कही, लेकिन उन्होंने कोई आतंक ध्यान नहीं दिया। यहाँ झूठ माट का तार सा लगा करके और चले गए, जो कि करंट प्रवाह होकर के अर्थ बन करके इसमें 2 रात में मर चुके हैं। यहाँ नगर पालिका के कर्मचारी सुबह से बनाए, एकमात्र जुगनू जो है हरिजन वो एकमात्र आया, लेकिन अभी तक 1.5-2 घंटे हो गए, कोई भी कर्मचारी यहाँ आकर के नहीं देख रहा है। लोग बाग इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ और इनको देखा नहीं जाता, खाना नहीं खा सकते, उनकी 2 गायें सामने मरी पड़ी है। तो मैं सरकार से और अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि ये सख्त से सख्त इनके खिलाफ भी कार्रवाई करें और ऐसे इंसिडेंट आगे नहीं हो, इस बात का जरूर ध्यान रखें। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, वरना फिर हमको इस मामले में आंदोलन करना पड़ेगा। कृषि विभाग की टीम ने धनखेड़ा में कपास फसल में बंदर पंजा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। जाजपुर के ग्राम धनखेड़ा में सहायक निदेशक कृषि विस्तार पवन यादव, कृषि अधिकारी फसल विनोद त्यागी, सहायक कृषि अधिकारी राजेंद्र कुमार शर्मा, कृषि पर्यवेक्षक राजूराम यादव एवं वीरेंद्र सिंह ने ग्राम पंचायत जाजपुर के ग्राम धनखेड़ा में कपास फसल में बंदर पंजा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। टीम ने मौके पर उपस्थित प्रभावित किसानों को बताया कि जिस खेत में कपास की फसल लेनी हो उस खेत में रबी मौसम में गेहूं की
फसल में 2,4-D का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही आसपास के खेतों में भी इस रसायन के प्रयोग से बचना चाहिए। फसल के प्रभावित भाग को काटकर हटा देवें एवं 4-5 किलोग्राम चूने का 200 लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। इसके 5-7 दिन बाद 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल बनाकर फसल में स्प्रे करना चाहिए। इसके अतिरिक्त 2-4-D के खाली डिब्बों को भी कपास के खेत से दूर रखना चाहिए। किसानों को सलाह दी जाती है कि कपास की फसल में 2-4-D के कारण ही बंदर पंजा रोग होता है, जिससे पौधों की पत्तियों में बंदर के पंजे के जैसी आकृति की हो जाने के कारण उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। नौगांवा नगर पालिका में 10 अगस्त को महारक्तदान शिविर का आयोजन श्री श्याम सेवा समिति के द्वारा किया जाएगा। शिविर संयोजक गोली पहलवान ने बताया कि श्री श्याम सेवा समिति नौगांवा के तत्वावधान में बस स्टैंड स्थित सनातन भवन के प्रांगण में प्रातः 9 बजे से 3 बजे तक किया जाएगा। रक्तदान शिविर का आयोजन मोनार्ड ब्लड बैंक जयपुर के सहयोग से किया जाएगा। सभी रक्तवीरों को प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया जाएगा। वहीं 11 अगस्त को भगवान पारसनाथ के निर्माण महोत्सव के उपलक्ष्य में वर्धमान ज्ञान ज्योति नवयुवक मंडल द्वारा भी रक्तदान शिविर का आयोजन बस स्टैंड स्थित जैन धर्मशाला नौगांवा के प्रांगण में किया जाएगा। जय श्री श्याम, जय भवानी। समस्त नौगांवा नगर पालिका वासियों को सूचित किया जाता है कि आपके कस्बे में 10 तारीख 8वां महीना 2024 स्थान सनातन धर्मशाला नौगांवा बस स्टैंड में रक्त शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर इस अपने दान को महादान बनाने की कोशिश करें और अपने मिलने जुलने वाले प्रिय बंधुओं को लेकर आए। और हो सकता है आपका एक रक्त की कण किस जाने कहां किस बंधु के जीवन में काम आ जाए। रक्त एक ऐसा दान होता है जिसका कोई मोल नहीं होता, ये अनमोल दान होता है और इसको अपनी विचारधाराओं में एक गुप्त दान बोला गया है। ये गुप्त दान ऐसे हुआ जैसे अपना खून अपना रक्त गुप्त है, वो किसी अन्य के शरीर में जाएगा। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अल्बा न्यूज के साथ। IIT नीट और बोर्ड बैच की तैयारी के लिए अलवर की एकमात्र संस्था AKIIT क्लासेस। AKIIT क्लासेस ने हर वर्ष IIT और नीट में 12वीं कक्षा के साथ और टारगेट क्लास के साथ दिए हैं सिलेक्शन पे सिलेक्शन। फुली AC रूम, RO वाटर, CCTV सिक्योरिटी और साथ ही बेहतरीन परिणाम, इतना सब कुछ कम फीस में। फिर और कहीं क्यों, आज ही एडमिशन करवाएं और संपर्क करें AKIIT क्लासेस, अग्रसेन सर्किल के पास, अलवर। मोबाइल नंबर 9887073330 और 7300077467। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 10 अगस्त को कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। डॉक्टर अरविंद गेट, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खेतल तेजारा के अनुसार, मिट्टी जनित कृमि संक्रमण बच्चों एवं किशोर किशोरियों में शारीरिक विकास, हीमोग्लोबिन स्तर, पोषण, अनीमिया और बौद्धिक विकास पर भी हानिकारक प्रभाव डालता है। समय अंतराल पर कृमि मुक्त करने से कृमि संक्रमण के फैलाव को रोका जा सकता है। राज्य में 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों एवं किशोर किशोरियों को कृमि मुक्त करने हेतु 10 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। आंगनबाड़ी एवं विद्यालय में 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों एवं किशोर किशोरियों को एल्बेंडाजोल टैबलेट खिलाई जाएगी। इसमें पंजीकृत एवं अपंजीकृत बच्चों को कृमि मुक्त की दवा खाने हेतु मोबिलाइज किया जाएगा। डॉक्टर अरविंद गेट ने बताया कि कृमि संक्रमण के लक्षण जैसे दस्त, पेट में दर्द, कमजोरी, उल्टी और भूख न लगना सहित कई लक्षण हो सकते हैं। कृमि संक्रमण से बचाव के तरीके जैसे हमेशा नाखून साफ व छोटे रखें, खाने को ढककर रखें, अपने हाथ साबुन से धोएं विशेषकर खाने से पहले और शौच जाने के बाद, खुले में शौच न करें, हमेशा शौचालय का प्रयोग करें, हमेशा साफ पानी पिएं, आसपास सफाई रखें। डीवॉर्मिंग के फायदे जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार होता है, एनीमिया में नियंत्रण, व्यस्क होने पर काम करने की क्षमता और आय में बढ़ोतरी, सीखने की क्षमता एवं कक्षा में उपस्थिति में सुधार आदि जैसे फायदे होते हैं। यह भी निर्देश प्रदान किए गए कि कोई भी बच्चा एवं किशोरी किशोरिया एल्बेंडाजोल की गोलियां
भूखे पेट नहीं खाए, समस्त बच्चों एवं किशोर किशोरियां खाना खाने के उपरांत ही उक्त गोली को लेवे। इस अभियान में चिकित्सा विभाग के साथ स्कूल शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत राज विभाग का सहयोग भी लिया जाएगा। कार्यक्रम के लिए जिला स्तर से एवं खंड स्तर से मॉनिटरिंग के मॉनिटर लगाए गए हैं। अलवर न्यूज द्वारा ततारपुर चौराहा मुंडावर सड़क मार्ग की जर्जर हालत की खबर प्रकाशित करने के बाद मुंडावर पीडब्ल्यूडी विभाग कुंभकर्णी निद्रा से जागते हुए रिपेयरिंग का कार्य प्रारंभ करवा दिया गया है। खबर प्रसारण के बाद हरकत में आए विभाग ने गड्ढों को चिन्हित कर दुरुस्त करवा रहा है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गड्ढों में मरम्मत का कार्य शुरू हो चुका है। फिलहाल गड्ढों में बजरी मिट्टी डाली जा रही है। बारिश का मौसम खत्म होते ही गड्ढों में डामरीकरण कर दिया जाएगा। आपको बता दें, राहगीरों की समस्या को ध्यान में रखते हुए अलवर न्यूज ने खबर को प्रमुख से प्रकाशित किया था, जिसका असर अब देखने को मिला है। साथ ही वाहन चालकों ने खबर प्रकाशित करने पर अवर न्यूज का आभार व्यक्त किया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 10 अगस्त को कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। डॉक्टर योगेंद्र शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर के अनुसार, मिट्टी जनित कृमि संक्रमण बच्चों एवं किशोर किशोरियों में शारीरिक विकास, हीमोग्लोबिन स्तर, पोषण, अनीमिया और बौद्धिक विकास पर भी हानिकारक प्रभाव डालता है। समय अंतराल पर कृमि मुक्त करने से कृमि संक्रमण के फैलाव को रोका जा सकता है। राज्य में 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों एवं किशोर किशोरियों को कृमि मुक्त करने हेतु 10 अगस्त को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। आंगनवाड़ी एवं विद्यालय में 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों एवं किशोर किशोरियों को एल्बेंडाजोल टैबलेट खिलाई जाएगी। इसमें पंजीकृत एवं अपंजीकृत बच्चों को कृमि मुक्त की दवा खाने हेतु मोबिलाइज किया जाएगा। डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया गया कि कृमि संक्रमण के लक्षण जैसे दस्त, पेट में दर्द, कमजोरी, उल्टी और भूख ना लगना सहित कई लक्षण हो सकते हैं। कृमि संक्रमण से बचाव के तरीके जैसे हमेशा नाखून साफ व छोटे रखें, खाने को ढककर रखें, अपने हाथ साबुन से धोएं, विशेषकर खाने से पहले और शौच जाने के बाद। खुले में शौच ना करें, हमेशा शौचालय का प्रयोग करें, हमेशा साफ पानी पिए, आसपास सफाई रखें। डीवॉर्मिंग के फायदे जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार होता है, एनीमिया में नियंत्रण, व्यस्क होने पर काम करने की क्षमता और आय में बढ़ोतरी, सीखने की क्षमता एवं कक्षा में उपस्थिति में सुधार आदि जैसे फायदे होते हैं। यह भी निर्देशन प्रदान किए गए कि कोई भी बच्चा एवं किशोर किशोरिया एल्बेंडाजोल की गोलियां भूखे पेट नहीं खाए। समस्त बच्चों एवं किशोर किशोरियां खाना खाने के उपरांत ही उक्त गोली को लेवे। इस अभियान में चिकित्सा विभाग के साथ स्कूल शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत राज विभाग का सहयोग भी लिया जाएगा। 10 तारीख को कृमि मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा और ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। पूरे राष्ट्र में 10 तारीख को कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। इसमें हम सभी बच्चों को कृमि मुक्ति के लिए एल्बेंडाजोल की गोली देते हैं। जो 1 से 2 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको आधी गोली और 2 वर्ष से ऊपर तक के जो बच्चे हैं उनको पूरी गोली दी जाती है। यह हम गोली जो देते हैं, हम 1 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक के सभी बच्चों को देते हैं, चाहे वो स्कूल जाते हों या नहीं जाते हों, ताकि बच्चों को विसंक्रमित किया जा सके। कृमि का बहुत बड़ा नुकसान है शरीर के अंदर, क्योंकि यह परजीवी है। हमारे आंतों में कृमि रहती है तो ये हमारे पेट के अंदर ही डेवलप होती है और ये हमारे शरीर का खून शोषित कर लेती है, चूस लेती है, और साथ ही साथ जो हम पोषक तत्व जो शरीर के अंदर होते हैं उनको भी ये अवशोषित कर लेते हैं। इसकी वजह से शरीर में कमजोरी, थकान, इस तरह के लक्षण प्रतीत होते हैं। कई बार ये देखा गया है कि बच्चों में पेट दर्द की शिकायत के साथ बच्चे आते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पाते कि मेरे शोष में कभी कीड़े आए हैं। ये स्थिति इस कदर भी हो सकती है कि आंतों में रुकावट तक भी ये पैदा कर सकते हैं। इसकी वजह से तुरंत ऑपरेशन की भी आवश्यकता पड़ती है, तो इसको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। यदि पूरे विश्व में या पूरे देश में हम एक साथ ही एक ही दिन सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल की टैबलेट खिलाएंगे तो कृमि मुक्ति से हम मुक्ति पालेंगे। ये कहाँ पे बनाया जाएगा कार्यक्रम? ये इसका उद्घाटन समारोह हमने मनिकवर गर्ल्स स्कूल में रखा गया है, जो शर्मा जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में होगा।
और सभी बच्चियों को वहाँ पर सबसे पहले एल्बेंडाजोल की टैबलेट खिलाई जाएंगी। डोर टू डोर भी किया जाएगा? डोर नहीं, सभी स्कूलों में और आंगनबाड़ियों में सभी बच्चों को खिलाई जाएगी। राजगढ़ कस्बे के टहला बाईपास स्थित मैरिज गार्डन में सीएलजी पुलिस मित्र सुरक्षा सखी व ग्राम रक्षकों की बैठक डीएसपी मनीषा मीणा व थानाधिकारी रामजीलाल मीणा की मौजूदगी में आयोजित हुई। थानाधिकारी रामजीलाल मीणा ने बताया कि बैठक में आगामी त्योहार रक्षाबंधन जन्माष्टमी पर शांतिपूर्ण रूप से मनाने के लिए अपील की। बैठक में मौजूद सदस्यों ने कस्बे में बेतरीके से ई रिक्शा चलाने वालों पर कार्रवाई व बाहर के ई रिक्शा चालकों के वेरिफिकेशन की बात कही। थानाधिकारी ने बताया कि इसके लिए सभी ई रिक्शा चालकों के नाम नंबर अंकित करवाए जाएंगे। राजगढ़ कस्बे में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर गश्त बढ़ाने व स्टाफ बढ़ाने की मांग की गई। माह अगस्त 2024 में आने वाले त्योहार और पर्वों के संबंध में इलाके में शांति व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में आज सीएलजी सुरक्षा सखी पुलिस मित्र ग्राम रक्षक आदि सभी की मीटिंग आयोजित की गई है और इस मीटिंग में सभी ने आने वाले त्यौहार जैसे 15 अगस्त है, जन्माष्टमी है और रक्षाबंधन है आदि त्योहारों और पर्वों पर अच्छे से सहयोग करने और शांतिपूर्वक आयोजन करने के में का पसंद दिया है। हम सभी का भी ये रहेगा कि हम भी ऐसे त्योहारों को बिल्कुल हर्षोल्लास से मनाएं और समस्त प्रकार के आयोजन शांतिपूर्वक संपन्न हों। और सर कितना मुद्दे सामने आए? सॉरी, मुद्दे लोगों का यहाँ यही कहना है कि इसमें तो ई रिक्शा हैं वो अनकंट्रोल रहते हैं, हर कहीं खड़े हो जाते हैं। कई ऐसे भी हैं जो कुछ एक बार के हैं, उनके आइडेंटिफाई हो। हमने ये तय किया है कि जो ई रिक्शा है उनके नंबर और मालिक के नाम पर नंबर वगैरह उन पर मैंशन किए जाएँ, तो इस बारे में एक बार तय करके और इनका किसी भी दिन एक आयोजन करके उनके ये कार्रवाई शुरू करेंगी। सभी के ई रिक्शाओं के मालिक के नाम, मोबाइल नंबर और चालक का नाम और मोबाइल नंबर प्रत्येक ई रिक्शा पे लिखवाएंगे। इसके अलावा गश्त के लिए भी इन्होंने कहा कि गश्त के लिए भी व्यवस्था बढ़ाई जाए, उसके लिए हम उच्च अधिकारियों से इस बारे में निवेदन करके और व्यवस्था करने के अधिक गश्त व्यवस्था सुदृढ़ करने की तैयार की। और स्टाफ बढ़ाने की मांग भी की? स्टाफ बढ़ाने के लिए भी उच्च अधिकारियों से निवेदन किया जाए। भाजपा मंडल अध्यक्ष कठुमर की कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक के मुख्य वक्ता व मुख्य अतिथि विधायक रमेश खींची रहे। अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज ने की। विशिष्ट अतिथि जिला उपाध्यक्ष हरिओम कटारा, चेयरमैन शेर सिंह मीना, जाट समाज के अध्यक्ष कालूराम चौधरी थे। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित व राष्ट्रगीत का गान करके किया। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर अभिनंदन प्रस्ताव रखा, जिसका अनुमोदन उदय सिंह चौधरी ने किया। उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। राजनीतिक प्रस्ताव का अनुमोदन जिला उपाध्यक्ष हरिओम कटारा ने किया। कार्यक्रम के अंत में मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज ने सभी का धन्यवाद दिया एवं राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन किया। इसके बाद विधायक रमेश खींची ने एक पेड़ माँ के नाम का रोपण हरियालो राजस्थान के नाम पर किया। कार्यक्रम का संचालन भाजपा नेता भूमिदत्त शर्मा ने किया। हरसौली कस्बे में बस स्टैंड पर स्थित श्रीमती भूरी देवी आयुर्वेदिक चिकित्सालय में गुरुवार को शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कमर दर्द, सर दर्द, आंटन, साइटिका, सर्वाइकल, चर्म रोग का सूचिका भेद द्वारा गर्ग चिकित्सा में 64 मरीजों की जांच कर उनका इलाज किया गया। कोटकासिम के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में महिलाओं को आत्मरक्षा में निपुण करने के लिए 7 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे कोटकासिम ब्लॉक से 80 महिला टीचर्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का विधिवत रूप से समापन किया गया है। अलवर जिले के योगेश यादव ने राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण और रजत पदक पर कब्जा किया। राजस्थान सीनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई। पुरुष वर्ग में अलवर के योगेश यादव ने सीनियर पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक और वेस्ट जोन में रजत पदक जीता। महिला वर्ग 47 किलोग्राम भार वर्ग प्रियांशी राजपूत ने रजत पदक जीता और 57 किलो में निकिता यादव को कांस्य पदक मिला। 69 किलोग्राम भार वर्ग में तनुश्री ने रजत पदक जीता। सभी खिलाड़ी और कोच आशीष जयमन अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता को संघ के पदाधिकारी सहजाद खान, भारत भूषण गुलाटी, प्रशांत अवस्थी, दीपक शर्मा बांसूर ने सभी का स्वागत किया। ये जानकारी संघ के सचिव प्रशांत अवस्थी ने दी।
पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ माह के नाम अभियान को सफल बनाने व धरती को हरा भरा बनाकर प्राणवायु की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के उद्देश्य से ओरिएंट सिंटेक्स भिवाड़ी ने अपनी सीएसआर गतिविधि में वृक्षारोपण कार्य को शामिल कर लगभग 3400 पौधे भिवाड़ी में लगवाए हैं। ओरिएंट सिंटेक्स के प्रबंध निदेशक हरिराम शर्मा द्वारा स्वयं व विशेष अतिथि जीके शर्मा वशिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक री को जिला उद्योग व वाणिज्य अधिकारी अभिनेंद्र सैनी व राकेश कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी गौरव शर्मा व सीताराम शर्मा कनिष्ठ सहायक राहुल कुमार ओरिएंट सिंटेक्स से अरुण कुमार शर्मा व राजेश सारस्वत आदि के द्वारा वृक्षारोपण किया गया और लगभग 200 पौधे औद्योगिक परिसर में लगाए गए। ओरिएंट सिंटेक्स के सभी कर्मचारियों ने वृक्षारोपण में विशेष रुचि दिखाई व संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई। ओरिएंट सिंटेक्स कंपनी द्वारा अपनी फायर ब्रिगेड से पौधों में पानी डलवाने का कार्य लंबे समय से करवाया जाता रहा है। विभिन्न छायादार वृक्षों के पौधे लगवाकर भिवाड़ी व उसके आसपास के क्षेत्र में एक सकारात्मक पहल की है। साथ ही विभिन्न आवासीय सोसाइटियों ओसो फाउंडेशन रोटरी क्लब भिवाड़ी व सामाजिक कार्यकर्ताओं को पौधे वितरित कर लगवाए गए। जिला कलेक्टर के अभियान के दौरान दिव्यांगजनों की स्क्रीनिंग पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं समाज कल्याण विभाग के सहयोग से चिन्हित किए गए 716 लोगों को दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। उन प्रमाण पत्र में से आज जिला कलेक्टर कार्यालय में 142 दिव्यांग प्रमाण पत्र वितरित किए गए। प्रमाण पत्र कलेक्टर एवं प्रभारी सचिव के द्वारा वितरित किए गए। तिजारा के गांव इशरोदा में हरियाली तीज के अवसर पर रामनिवास यादव समाज सेवी के नेतृत्व में गांव के रोड पर दोनों तरफ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इशरोदा में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के तहत अंतर्गत पौधारोपण का कार्य किया गया। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक पेड़ माह के नाम अभियान के अंतर्गत संस्था प्रधान धर्मवीर वर्मा समस्त स्टाफ विद्यार्थियों एमसी एसडीएमसी सदस्य और ग्रामीणों के सहयोग द्वारा 500 पौधे रोपित किए गए। ये सभी पौधे रक्तवीर रामनिवास यादव के द्वारा उपलब्ध करवाए गए। तिजारा के जैन मंदिर में विराजमान आर्तिका वरदस्व नंदिनी माताजी ने अपने प्रवचन में कहा कि अपनी अच्छी सोच अध्यात्म जीवन में बहुत जरूरी है। अध्यात्म वह है जो व्यक्ति का यथार्थता से परिचय कराता है और जिसे वास्तविकता ज्ञात हो जाए कि वह परेशान नहीं होता। आत्महत्याएं केवल विदेशों में सुनने में आती है लेकिन भारत में यह बहुत कम होती है क्योंकि भारत में अध्यात्म की गंगा बहा करती है। बचपन से ही बच्चों को महापुरुषों एवं ईश्वर के नाम का स्मरण कराकर महापुरुषों के जीवन के आदर्शों की कहानियां सुनाकर उन्हें जीवन की अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थितियों से परिचित कराया जाता है। बच्चों को जीत के साथ हार की सत्यता भी दिखाई जाती है। जीवन में उठती गिरती लहरों के समान पुण्य और पाप का उदय समझाया जाता था। यदि मनुष्य को पहले से ही यथार्थता का परिचय हो, पुण्य पाप पर विश्वास हो तो व्यक्ति आत्महत्या जैसे कुकृत्य का भी विचार नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, वर्तमान समय में अतरंग से बच्चों व युवाओं को दृढ़ करने के लिए जीवन में आध्यात्मिक होना जरूरी है। उनके जीवन को महापुरुषों की कथाओं से परिपूरित कर उनका सही मार्गदर्शन करना भी जरूरी है। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।